मैं सबसे निवेदन करता हूँ, अगर आप अपने जीवन को सुंदर, श्रेष्ठ और महान बनाना चाहते हैं तो आपको बायकॉट करना पड़ेगा बॉलीवुड को। ध्यान रखिएगा, आपके पैसे से आपका जीवन और आपकी संस्कृति को खत्म करने का काम ये लोग करते हैं। जिन लोगों जो लोग समाज सेवा की बात करते हैं, जो लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो लोग इंसानियत की बात करते हैं, हमको बरगलाते हैं और वही जहर बेचते हैं दूसरी ओर, वही गुटखे का विज्ञापन करते हैं, वही संस्कृति को छीछलेधार करने में तुले हुए हैं, पैसा देकर अर्धनग्न होकर आपके घरों में घुसकर आपकी ही संस्कृति का दोहन कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। और मैं आपको एक कड़वी बात कह दूं, चलो मैं कह देता हूं, एक सीरियल चल रहा है, माताएं विशेष रूप से मुझे सुनना, और कड़वा लगे तो धन्यवाद, न लगे तो दोबारा सुनना, कड़वा तो लगना चाहिए। जो सीरियल्स आप लोग देखते हैं, डेली सॉप्स आप देखते हैं, किसी की पत्नी है, किसी का पति है, किसी का पति है, उसकी पत्नी है, फिर उसकी कोई और, ये सब यही सब है ना, कहीं कोई यही सब चल रहा है, कचरा कूड़ा चल रहा है। ये जो सीरियल बनाने वाले हैं ना, इनका दोष नहीं है इसमें, इस तरह के सीरियल बनाने का, एक पुरुष तीन पत्नियां, घर वाली बाहर वाली, बाहर वाला घर वाला, बहुत कड़वी कड़वी बात कह रहा हूं मैं, ये जो राइटर है ना, इनका दोष नहीं है, दोष है आप जैसे लोगों का जो ऐसी चीजें पसंद करते हैं और देखते हैं। अगर आप जैसे लोग इस तरह के फुवड़ सीरियलों को देखना बंद कर दें तो वापस से हम लोग नुक्कड़, तमस, रामायण या इस तरह के सुंदर धारावाहिक आरंभ हो जाएं। बुनियाद, बहुत समय पहले की बात कह रहा हूं मैं, तब नैतिकता के आधार पर लोग जीते थे तो उस तरह के सीरियल्स थे, आज समाज में जो हो रहा है वैसे सीरियल्स हैं। तो ये सीरियल जो लिखने वाले हैं वो समाज से ही स्टोरियां उठाते हैं, तो जो आप देख रहे हैं वो आपको अगर पसंद आ रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ कचरा है, तभी आपको पसंद आ रहा है। बहुत कड़वा कह रहा हूं मैं, अगर आपको ये सब चीजें पसंद आ रही हैं तो इसका मतलब ये सब आपके अंदर है, इसलिए एंटीना वही कैच करेगा जो आपके अंदर होगा, दूसरी चीज कैच नहीं करेगा। तो आप अगर गलत चीज देख रहे हो, गलत चीज को प्रमोट कर रहे हो, गलत चीज की ओर जा रहे हो, तो तय मान के चलना आप दूध के धुले नहीं हो, और अगर धुले हो तो ऐसी चीजों का विरोध कीजिए। ये सिनेमा और ये सब जो परोस रहे हैं ना, ये आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरी संस्कृति सबको नष्ट कर रहे हैं, और जो संस्कृति नष्ट कर रहे हैं उनको आप 3 घंटे भी दे रहे हैं, समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। लेकिन जो आप पैसा दे रहे हैं, चलो वो लौट भी आए, आप कमा भी लो, लेकिन जो 3 घंटे 2.5 घंटे आप दे रहे हो वो लौट के आएगा कभी? आपका पैसा, आपका समय और आप ही की कब्र खोदी जा रही है। अगर ये आपने जान लिया, अपने बच्चों को समझा लिया, भाई मैंने अपनी जिंदगी का मेरा एक रूल रहा शुरू से, मुझसे जब कहा जाता था कि चलो सिनेमा देखने, तो मैं कहता था मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, अपना ही पैसा लगाऊं और अपना ही समय लगाऊं, मेरी जिंदगी का ये नियम रहा है। हाँ, उस समय गांधी देखने गए, छोटे थे, वो देखने गए, जुरासिक पार्क देखने का, ये एक अलग चीज़ है, ये मनोरंजन है, लेकिन जिससे मेरी संस्कृति भ्रष्ट होती हो वो मैं कभी नहीं देखूंगा, मेरा टाइम किल होता हो वो मैं कभी नहीं देखूंगा। तो मेरा ये निवेदन आप लोगों से, इनसे बचिए। और एक और चीज़ आप लोगों से कह दूँ, अगर आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो, अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो मेरे भाई बहन, अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, अपने पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को
श्रेष्ठ और सुंदर रखना चाहते हैं तो मेरा एक निवेदन अगर आप मान सको तो मान लेना, और नहीं तो कुछ दिन करके देख लेना। आपके घर से टेलीविजन नाम की चीज हटा दो। मुस्कुरा रहे होगे आप, अरे ये कैसी बातें कर दी आपने। चलो चलो एक छोटा होमवर्क देता हूं, आपके बेडरूम से टेलीविजन हटा दो, इतना तो कर सकते हो। जो लोग समझदार लोग हैं उनके बेडरूम में कभी टेलीविजन नहीं होता, क्योंकि वो सोने की जगह है, जिंदगी को बिगाड़ने की जगह नहीं है। जिनके बेडरूम में टेलीविजन है उनकी आधी जिंदगी बेकार है। ये मनोरंजन की चीजें हैं, अगर मनोरंजन मनोरंजन तक रहे, आपके बेडरूम तक अगर घुस गया तो जिंदगी का जो आत्मरंजन है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपके ड्राइंग रूम में टेलीविजन लगाए तो आप हेल्दी चीजें देखोगे, आपके घर पर घर परिवार के लोग एक साथ बैठने का मौका मिलेगा सबको, भले ही आप जहां भी बैठे हो सब एक साथ बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, बड़े बैठेंगे, मध्यम लोग बैठेंगे, तो परिवार को जुड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर टेलीविजन अलग अलग कर दिए तो आपने सबको अलग अलग बांट दिया, और इस वजह से आप लोग हम लोग अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे, कुटुंब कुटुंब नहीं रह पा रहे। अब गिनती के लोग ही कितने रह गए हैं घरों में। तो मेरा जो निवेदन है ये मैंने करके देखा है, मैं व्यक्तिगत अपनी बात बता रहा हूं, इसका बड़ा लाभ है, बहुत लाभ है। तो निवेदन ही कर सकता हूं, बाकी तो भाई आपका आपका घर आपका टेलीविजन,